नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति राणा। एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप में से अधिकतर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश तो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन फंड्स के जरिए अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं? और इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट प्लान। लेकिन क्या डायरेक्ट प्लान नए निवेशकों के लिए सही है, या निवेश सलाहकार की मदद से रेगुलर प्लान में निवेश किया जाए? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट आज मौजूद हैं। तमाम उलझने निवेशकों के मन में होती हैं, उसको दूर करेंगी फिनसेफ के डायरेक्टर मृण अग्रवाल। मृण, आपका बहुत स्वागत है आज मनी गुरु के स्पेशल एपिसोड में। इनफैक्ट कई व्यूअर्स हमें अपने सवालों के जरिए पूछते हैं कि हमने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है, हमने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। लेकिन एक ऐसे निवेशक के समझ के लिए सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, डायरेक्ट प्लान या फिर रेगुलर प्लान से क्या मतलब हुआ? व्हाट इज डायरेक्ट प्लान एंड व्हाट इज रेगुलर प्लान? गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। सबसे पहले डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान आजकल बहुत चर्चा में है। रेगुलर प्लान में ऐसा है कि आप किसी सलाहकार से आप एडवाइस लेते हैं, एंड क्योंकि आप वो सलाहकार से एडवाइस ले रहे हैं, उसको किसी तरह आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो वो आप क्या करते हैं कि जो रेगुलर प्लान होता है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, उसका एक सम परसेंटेज गोज़ टू दी एडवाइज़र। बहुत स्मॉल परसेंटेज रहता है। यदि आपको जानकारी है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करने हैं, या आपको जानकारी है कि मुझे कौन से फंड्स में निवेश करना है, तो आप डायरेक्ट प्लान भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो एडवाइजरी कमीशन है वो नहीं रहेगा। तो करीब आपको मे बी 1-1.5%, डिपेंडिंग कि कौन सा फंड है, कितना बड़ा फंड है, आपको 1-1.5% पर ईयर का फर्क पड़ेगा प्लान में। ओके, तो 1-1.5% का कमीशन का फर्क पड़ता है, जिसमें कमीशन आपको नहीं देना होता है। आप डायरेक्टली लेते हैं इस तरीके के फंड्स, रेगुलर प्लान, उसमें आपको 1-1.5% तक का कमीशन देना होता है। डायरेक्ट प्लान में बचत से एनईवी में बढ़त देखी जाती है, वहीं एनईवी का नुकसान रेगुलर प्लान में होता है। वहीं लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट प्लान में फायदा होता है, क्योंकि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। वो 1-1.5% तक का जो एक मार्जिन होता है, उसका आपको फायदा होगा। रेगुलर प्लान में डेफिनेटली 1-1.5% कमीशन जो जा रहा है वो एजेंट को जा रहा है। इसका कुछ कैलकुलेशन समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मृण, जो कि निवेशक भी पूछते हैं, वो ये होते हैं कि मुझे एक निवेश सलाहकार की ज़रूरत क्यों है? क्या मैं खुद से ऑनलाइन जाकर अलग अलग वेबसाइट के ज़रिए कोई फंड खुद से चूज नहीं कर सकती हूं, तो फिर निवेश सलाहकार क्यों? देखिए, ऐसा है कि मार्केट में काफी उतार चढ़ाव आता रहता है, काफी अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखिए, काफी अलग अलग टाइप के स्कीम्स हैं। और जो मैं क्या देखती हूँ कि ज़्यादातर लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है कि हमें कौन से फंड में निवेश करना चाहिए। अब अगर आप देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो लास्ट पिछले 1 या 3 साल का रिटर्न जिस फंड में अच्छा आया है वो उसमें निवेश करते हैं, बट ये सही तरीका नहीं होता है निवेश करने के लिए। दूसरी बात मैं क्या देखती हूँ कि ज़्यादातर जो निवेश होता है वो इट्स नॉट गोल्ड बेस्ड, राइट? तो क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि अच्छा, अभी हमारे पास पैसे हैं और ये स्कीम अच्छी कर रही है, तो चलो इसमें निवेश कर लेते हैं। बट एक्चुअली जब कोई भी इंसान जब कोई भी इंसान इन्वेस्ट करता है, तो सबसे पहले उसको अपने माइंड में उसका एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मतलब वो कितनी दूर, कितना टाइम के बाद मुझे ये पैसे की ज़रूरत है। तो अगर तो ये सब अगर आप थोड़ा मतलब अगर आपको नहीं मालूम कि क्या करना है, या अगर आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके में अपनी प्लानिंग करनी है, तो सर्टेनली आपको एक सलाहकार की जरूरत है जो आपको गाइड कर सकता है। ओके, मृण, जरा एक और बात बताइए, क्योंकि हम यहाँ पर
सलाहकार ले या फिर खुद से, जैसे कहते हैं ना डू इट योरसेल्फ, DIY आजकल टर्म बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, वो म्यूचुअल फंड्स में भी फेमस हुआ है, इसलिए इसको हम बहुत सिंपल शब्दों में डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर भी समझ रहे हैं और दर्शकों को समझा रहे हैं. एक सलाहकार अगर हम रखते हैं या एजेंट के जरिए हम कोई फंड लेते हैं तो हमारी सिरदर्दी कितनी कम हो जाती है? वो ऐसे कौन कौन से काम है जो आपका एजेंट या आपका सलाहकार आपके लिए कर देता है? देखिए, अगर आप फाइनेंशियल प्लानर के साथ एंगेज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको मदद करेंगे. ज़्यादातर क्या होता है कि लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि मुझे अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे बचाने हैं, बट क्या होता है कि लोगों को मालूम नहीं होता है कि उनको कितना बचाना होता है. दूसरी बात जो है कि दे डोंट टेक इन टू अकाउंट इन्फ्लेशन, राइट? तो ज़्यादातर हम देखते हैं लोग कहते हैं कि मुझे 50 लाख चाहिए, बट जो 50 लाख की वैल्यू आज है और 15 साल बाद है वो बहुत अलग है, राइट? तो एक तो जो एडवाइजर्स हैं वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं. दे कैन गाइड यू कि आप कैसे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स, आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर कौन से इन्वेस्टमेंट्स आपको सही रहेंगे. देखिए, सबका सब में ये ताकत नहीं होती है कि वो हाई रिस्क ले लें. एंड ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग मिड कैप या स्मॉल कैप में, ज़्यादातर मैं देख रही हूँ बहुत निवेश हो रहा है और लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये फंड बहुत रिस्की हैं. तो आई थिंक बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो आपके फाइनेंशियल लाइफ में काफ़ी स्ट्रक्चर ला सकता है और वो गाइड कर सकते हैं कि जो सही फंड्स हैं उसमें आप निवेश कीजिए. तो निवेश सलाहकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक वो जो कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, सेबी के थ्रू अप्रूव्ड होते हैं और ये आपसे थोड़ी बहुत फीस लेकर आपकी पूरी पोर्टफोलियो प्लानिंग करते हैं, कैसे फंड में आपके गोल के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है ये आपको बताते हैं. और अगर आप नए निवेशक हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे किसी एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए रेगुलर प्लान्स जो होते हैं उसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ फीस जो एजेंट्स की भी देनी पड़ती है कुछ ऐसे फंड्स. और हर एक फंड में इनफैक्ट डायरेक्ट प्लान भी होते हैं, रेगुलर प्लान भी होते हैं. लेकिन जब हम एडवाइजर्स की बात करते हैं, मृण, एक अच्छा निवेश सलाहकार कैसे चुनें? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमें गाइड कर रहा है, जो हमें टीच कर रहा है वो अच्छा तो हो, किन बातों का ध्यान रखें? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे सलाहकार को ढूंढें. दो तीन चीज़ें कर सकते हैं. एक तो आप अपने जैसे दोस्त या अपने फैमिली मेम्बर्स को पूछ सकते हैं अगर वो किसी को जानते हैं. और अगर आप किसी को मिलें, जैसे कोई सलाहकार को मिलें, सबसे पहले आपको मालूम करना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने सालों से वो एडवाइस कर रहे हैं, वो कैसे टाइप के क्लाइंट से डील करते हैं. देखिए, अगर आप किसी से सलाह ले रहे हैं जो बहुत बड़े क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा हो तो फिर वो आपको टाइम नहीं देने वाला है, राइट? दूसरी बात, आपको ये ऑफकोर्स देखना चाहिए कि उनका क्या सर्टिफिकेशन वगैरह है. बट जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी चाहिए कि वो अपना रेवेन्यू कैसे कमाते हैं. देखिए, लाइफ में कुछ फ्री तो आता नहीं है, तो उनको भी किसी तरह अपनी कमाई करनी है. तो वो आपको ओपनली पूछना चाहिए कि वो अपनी कमाई कैसे करते हैं. दूसरी बात कि वो आपको कैसे सर्विस करेंगे, वो आपको क्या क्या सर्विसेज देंगे. ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद में वो क्या आपको सर्विस दे रहे हैं, क्या वो आपको रेगुलर अपडेट्स दे रहे हैं, क्या वो गोल प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि वो बेसिकली उनको गोल बेस्ड प्लानिंग आपको ऑफर करना चाहिए. दे शुड बी वर्किंग ऑन फीस एंड दे शुड बी डीलिंग विद क्लाइंट्स लाइक यू. तो एक अच्छा जो आपका एडवाइजर होगा वो आपको कदम कदम पर हर एक आपके लक्ष्य के हिसाब से आपको गाइड करेगा. और हमें तो पता ही है मृण कि म्यूचुअल फंड में भी कितनी मिससेलिंग होती है और कई बार जो एडवाइजर्स होते हैं, हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ एडवाइजर्स आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी ऐसे बेच देते हैं जैसे आपको उसमें बहुत मुनाफा होने वाला है, जो कि टोटली गलत है. तो ऐसी मिससेलिंग से कैसे बचा जाए? एक ही तरीका है ऐसे मिससेलिंग से बचने के लिए कि जो भी
एडवाइजर आपके पास आ रहा है, आपको खुद की अपनी जांच भी होनी चाहिए. आपको मतलब ब्लाइंडली उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और आपको अपना खुद का भी थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, मैं इसमें पैसे कब निकाल सकता हूँ, इसमें क्या पेनल्टी है पैसे निकालने में, ये स्कीम कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है. आपको थोड़ा बहुत ये सब अपने आप से भी थोड़ा मतलब रिसर्च करके थोड़ा प्रोडक्ट को स्टडी कर लेना चाहिए. ये बहुत जरूरी है. एब्सोल्युटली, मतलब सिर्फ सलाहकार के भरोसे ही अपनी पूरी जो पूंजी है वो छोड़नी नहीं चाहिए. तो अगर हम एक एडवाइजर चूज कर रहे हैं, हम उसकी कुछ सर्टिफिकेट्स चेक कर सकते हैं, वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है कि नहीं है, ये कहां पर चेक किया जा सकता है? पहले तो वो खुद आपको कार्ड दिखा सकते हैं. एम्फी की वेबसाइट पर आपको सारे जो एजेंट्स हैं या एडवाइजर्स हैं उनकी जानकारी आपको वहां से भी मिल सकती है. तो ये इजीली आप गूगल कर सकते हैं, और उनके पास खुद सर्टिफिकेट होगा जो वो आपको दिखा सकते हैं. ओके, तो सर्टिफिकेट्स अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करके ही आप एक अच्छा एडवाइजर चुनिए. ये आपका हक बनता है, हर एक निवेशक का हक बनता है. एक और टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है मृण, उसके बारे में आप जरा दर्शकों को थोड़ा डिटेल में समझाइए. वो है रोबो एडवाइजर्स, मतलब इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी अब आ गए हैं. ये क्या है और ये कैसे अलग हैं एडवाइजर से, रजिस्टर्ड एडवाइजर से, और कितना ज्यादा फायदेमंद है ये रोबो एडवाइजर्स? तो रोबो एडवाइजर एज द नेम सजेस्ट वर्क्स लाइक अ रोबोट. ये फुल्ली टेक्निकल प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है. इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं. और ज़्यादातर क्या होता है कि वो कुछ दो टाइप के रोबो एडवाइजर्स हैं. एक वो हैं जो रेगुलर प्लान ऑफर कर रहे हैं और एक वो हैं जो डायरेक्ट प्लान ऑफर करते हैं. ज़्यादातर जो रोबो एडवाइजर करते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि आपका क्या गोल है, मतलब ये सब ऑनलाइन में पूछते हैं, कोई मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है. और उस आपके रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर वो एक आपको प्लान सजेस्ट करते हैं जो आप उनके थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट इज अ रोबो एडवाइजर. तो क्या ये जो ह्यूमन एडवाइजर्स होते हैं या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की जो हम बात कर रहे हैं, उनसे कुछ सस्ते होते हैं? अगर वो रेगुलर प्लान ऑफर कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस है नहीं. अगर वो डायरेक्ट प्लान ऑफर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कमीशन बचा रहे हैं उधर. तो ऑफ कोर्स ह्यूमन एडवाइजर के कंपैरिजन में अगर कोई डायरेक्ट ऑफर कर रहा है और कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा है तो वो सस्ता ही होगा. ओके, और बट यस यस, गो ऑन. एक जो बात आपको सोचनी पड़ेगी कि अगर आप किसी कोई आपको डायरेक्ट ऑफर कर रहा है बिना कुछ फीस के, तो पता नहीं वो कितनी देर तक ऑफर कर सकता है, बिकॉज नथिंग कम्स फ्री इन लाइफ. ओके, तो और वेरी क्विकली, ये काम कैसे करता है रोबो एडवाइजर? मतलब कैसे मुझे पता चले कि मैं एक साइट पे गई, रोबो एडवाइजर ये जेन्युइन है भी कि नहीं है, किन बातों का ध्यान रखूं अगर रोबो एडवाइजर से ही मुझे सलाह लेनी है, और वो मेरी जो रिस्क प्रोफाइलिंग है या मेरे जो मेरा पोर्टफोलियो है उसको रीड कैसे करते हैं वो? तो ज्यादातर तो वो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मेरे ख्याल से तो नहीं रीड करते हैं. जो रोबो एडवाइजरीज हैं, आई थिंक उनका जनरली टारगेट मार्केट जो नए निवेशक हैं वो हैं. और जब बात आती है कि हम कैसे चेक करें कि उन्होंने मेरी रिस्क प्रोफाइलिंग ठीक से की या नहीं, देखिए हर चीज में लाइफ में हमें खुद थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, राइट? हम हर समय किसी और को फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. तो जैसे हम ह्यूमन एडवाइजर्स के साथ, मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा अपना भी खुद भी इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा, सेम वे अगर आप रोबो एडवाइजर्स को भी यूज कर रहे हैं तो आपको खुद भी अपना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. थोड़ा सा आपको भी चेक करना चाहिए कि इनके जो फंड रिकमेंडेशंस हैं, ये कैसे हैं, थोड़ा आपको इसके ऊपर थोड़ा तो आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप बस पैसे डाल दीजिए और भूल जाइए, क्योंकि
कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप गलत फंड में पैसे डालेंगे तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट परफॉर्मिंग एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड कैन बी एटलीस्ट 5-10% पर ईयर. ओके राइट. तो इसीलिए खुद को जानकारी होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. तो मतलब एक निवेशक के लिए जरूरी हो जाता है, स्पेशली एक नए निवेशक के लिए भी, कि वो एडवाइजर की मदद लें. अब 1% कमीशन की हम बात करते हैं तो कितना फर्क पड़ता है किसी के निवेश में, एक सिंपल कैलकुलेशन के जरिए हम जल्दी से बता देते हैं अपने दर्शकों को. मतलब अगर आप 30 साल की उम्र में 25 साल के लिए आगे आप निवेश करना चाहते हैं और उसमें आपने एक मुश्त 5 लाख रुपए डाल दिए अपना निवेश और आप 10,000 रुपए प्रति महीने की SIP भी करते हैं, तो डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड के जरिए आपको इन 25 सालों में जो आपकी निवेश सीमा है आपके अज्यूम रिटर्न के हिसाब से कितना आपको कॉर्पस जनरेट हो जाएगा? लगभग 1,26,00,000 रुपए डायरेक्ट प्लान के जरिए अगर आप म्यूचुअल फंड के किसी प्लान में डालते हैं, डायरेक्ट प्लान में मतलब खुद से आप करें, और रेगुलर प्लान जिसमें आपको कम से कम 1% का अगर कमीशन लगता है तो वही अमाउंट आपका कम होकर 1,06,00,000 हो जाएगा क्योंकि उसमें 1% का कमीशन जा रहा है. तो जो टोटल है 20 लाख का अंतर आपको इसमें मिलता है अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान. अगर वो म्यूचुअल फंड 8% के हिसाब से ग्रो करता है तो ये उसकी पूरी कैलकुलेशन बनती है. तो ये थोड़ा बहुत तो हमने आपको बताया कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में निवेश करने का आगे कितना फर्क पड़ता है आपके प्रॉपर जो आपको रिटर्न मिलता है. आप देख रहे हैं मनी गुरु, हमारे साथ है फिनसेफ की डायरेक्टर मृण अग्रवाल और हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, भोपाल से तरुण डागा जी. तरुण जी स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए आपके प्रोफाइल को लेकर क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम अग्रवाल साहब. नमस्कार जी. मेरा ये प्रश्न है कि मैं अपने फ्यूचर के लिए और बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ 1-2 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने अभी करीब 5 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. 1,000 रुपए की SIP हर मंथ जाती है मेरी. ओके सर. तो ये सफिशियंट है या कुछ फंड और मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये फंड भी ठीक है? ठीक है. और कब से निवेश कर रहे हैं? इसमें HDFC वाले जो 2 फंड हैं वो उसमें मैं 2008 से निवेशित हूँ. 10 साल हो गए. और हाँ, और बाकी फंड करीब करीब अभी साल भर ही हुआ है, 2-3 फंडों को साल भर हुआ है. ठीक है. 2 फंड्स 10 साल से और बाकी 3 फंड्स में अभी हाल ही में उन्होंने निवेश शुरू किया है मृण, और इनके लक्ष्य जो उन्होंने अभी अभी जिक्र किया 20 साल में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य भी है इनका. 5,000 रुपए काफी है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मृण? देखिए, जो आपको 1 करोड़ की जो वैल्यू अभी है आपको 20 साल के बाद चाहिए, तो 20 साल के बाद वो 1 करोड़ का वैल्यू अगर हम इन्फ्लेशन 6% अज्यूम करते हैं, 6% इन्फ्लेशन अज्यूम करते हैं, तो इसका वैल्यू 3.2 करोड़ होता है. और ये अगर आपको इन्वेस्ट अगर आपको ये अमाउंट हासिल करना है 20 साल के बाद, तो आपको इसके लिए 32,000 महीने में आपको निवेश करना पड़ेगा. जो आपने अभी जो आप 5,000 रुपए कर रहे हैं, अगर हम उसको फ्यूचर वैल्यू फोरकास्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू करीब 50 लाख आएगी, और जो आपने 10 साल से इन्वेस्ट किया है वो भी थोड़ा ऐड अप करके आपकी वैल्यू करीब 75 लाख ही आएगी. तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको इसमें अपना अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आपका ये लक्ष्य है तो. कितना अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं ये ब्रिन? मतलब एज पर हिज गोल तो इनको 32,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहिए. ओके. तो इनको काफी सारा इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है. 5,000 से मतलब 32,000 आपको इंक्रीज करना है. आप कहाँ पर इसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं, इसका ध्यान तरुण जरूर रखिएगा. बाकी ऑल द वेरी बेस्ट निवेश के लिए. अक्षय दत्ता शुक्ला का सवाल लेते हैं, ईमेल पर हमारे पास आया है. ये अपनी माँ के बिहाफ पर सवाल भेज रहे हैं मृण, और इनकी माँ ने जो सवाल पूछा है वो ये है कि मेरे 6 पोते पोती हैं, हर पोते पोती के लिए 30,000 रुपए का निवेश करना है, कुल 1,80,000 रुपए निवेश का इनका प्लान है, 20 साल के लिए पैसे का निवेश करने की सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड में 14% के मुताबिक 3,82,000 रुपए हो जाएंगे. इतनी कैलकुलेशन उन्होंने कर ली है, तो इतने समय में इसे बेहतर रिटर्न इन्हें अगर चाहिए तो क्या स्टॉक मार्केट में मुमकिन है इनके लिए, और 20% के लिहाज से 10 लाख रुपए इन्हें चाहिए?
तो सबसे पहले तो मैं जो ये बुजुर्ग हैं, सबसे पहले तो मैं इनकी दाद देती हूँ कि ये अपने पोते पोती या धोती धोती के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका जो मतलब जो रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशंस है, मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि 14% काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। और ऐसे 20% मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप कुछ स्टॉक्स लेंगे तो उसमें 20% ज़रूरी ही रिटर्न आएगा आपको। तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले तो इनको अपने रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस जो मतलब जो इन्होंने सोचा है 12-14% जो म्यूचुअल फंड देते हैं उतना ही उनको रखना चाहिए। मेरी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि 20% ज़रूर इसमें आपको रिटर्न आएगा। दूसरा, सिंस इनका 20 साल का होराइजन है, मुझे लगता है कि इन्हें मिड कैप फंड से चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 20 साल के मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं मल्टी कैप फंड और मिड कैप फंड में, तो 20 साल में सर्टेनली मिड कैप फंड का रिटर्न ज़्यादा आता है। तो आई फील कि ये थोड़े मिड कैप फंड्स ले सकते हैं, ऑफकोर्स बेस्ड इनके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप म्यूचुअल फंड्स में रहें, दे प्रोफेशनली मैनेज्ड, आपको इसमें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आप कुछ अच्छे मिड कैप फंड चूज करके इसमें निवेश कर लीजिए। चलिए अक्षय दत्ता शुक्ला जी, आप ये सवाल जरूर देखिएगा और अपनी माँ को बताइएगा, होपफुली वो भी हमारा शो देख रही होंगी, कि कैसे प्लान करना है उन्हें अपने पोते पोतियों के लिए ये इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच मृण हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में शामिल होने के लिए। थैंक यू।